अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या तो नफ्सुल मुतमाइन्ना तुर्जी इला रब्बिक रादियतन मर्दी फदखली फी इबादी वदखली जन्नती। परवरदिगार ने फरमाया इसे में नवन वाली जात अल्लाह का दी सनाउ लपानी पति मुजद्दी फरमा देने इंसान दी निगाह दे सामने ओदी झोंक जड़ जावे उस हालत दे अंदर इंसान नु अल्लाह दे जिक्र च सुकून मिले ओनु इत्मीनान किया जांदा है। आओ ए आयत लेके जरा करबला दे मैदान च जाइए। मेरे इमाम दा एक काफिला मदीने तो करबला वल जा रिया है, हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रिया है। तो जवानो काफिला मक्के दे अंदर पहुंच हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा है। अपना मक्के तो करबला बल जा रहे हो हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा है। तीन मुहर्रम नु करबला च डेरे लग गए हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा है। सात मुहर्रम नु पानी बंद कर दिया गया हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा है। ओदी निक्की जी सकीना पे रोंदी है हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा है। ओदे आपा ते बाद कढे गए हुसैन अल्लाह का जिक्र करी जा रहा है। ओदे अकबर दी जवानी लुटी गई हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा है। ओदे कासिम दा सीना छलनी हो गया हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा है। ओदे निक्के जे अशगर दे हलके च तीर लगे आ हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा है। सिरने ते दी नोक ते चढ़े आए हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा है। पता नहीं करबला दे मैदान च हुसैन नु अल्लाह दे जिक्र च किन्ना कुछ सुकून पिया मिल जाए। सिर ने दे दी नौ के चढ़े आए और अल्लाह का जिक्र करी जा रहे हैं। इन्हें क्या नफ्से मुतमाइन्ना कह दे अल्लाह फरमाया या तो नफ्सुल मुतमाइन्ना सारी शोक जल गई पर ओ अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा। इनो ही नफ्से मुतमाइन्ना कहंदे ने, इनो ही अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल कुलूब कहंदे ने। मेरा दिल करदा मैं तर्जमा करवा के देवा हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कोलो। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। बेमुर्शिद दे नाल मैं कदे बोलिया नहीं, जिदा मुर्शिद है ओ बोले सुभान अल्लाह। आरिफां दे सुल्तान ने तां बड़ा मिठा जिहा रंग पेश फरमाया। आप इरशाद फरमांदे ने आशिक होवे ते इश्क कमावे दिल रखी बाग पहाड़ा खुश सबदिया ते हजार औला में कर जानी बाग बहारा घूमन सूर जाए सुखसूली चाड़े जेड़े बाकी पे खुल असरारा वो सर सजने इना चुकी है पावो पावे काफिर कैन हजारा घर च एक मैयत आवे रात नींदर नहीं आती ओदे घर दे अंदर एक कतर लाशा दा ढेर लगे आए। नौजवान लाशा दे ढेर अंदर खलो के मेरे इमाम ने आसमान ने बल वेखे आए अर्द की दिया ला रवी है उतों आवाज आई हुसैन तो रवी है अर्द की दिया ला मैं अकबर दे के भी रवी हूं मैं असगर दे के भी रवी हूं मैं कासिम दे के भी रवी हूं मैं अब्बास दे के भी रवी हूं मैं हुर दे के भी रवी हूं मैं हबीब दे के भी रवी हूं अजे भी मेरिया रजावा पूछन वाले हो तू ते मेरे ना तो मर चले है मैं ते तेरे ते राजी हां जेड़ा कयामत तक तेरे ना ते मर जाए मैं ओदे ते भी राजी तक जड़ा तेरे ना ते मर जाए मैं ओदे ते भी राजी हां।
उस हुसैन का जिक्र छेड़न लगा जिहड़ा रब की रजा ते एडा राजी। वेखो किड्डा खेड हुसैन ने खेड़िया है, लोको करबला दे अंदर किड्डा खेड हुसैन ने खेड़िया है कि जाना दी मंडी हुसैन ला के दीन नाने दा विकदा ही लै लिया है। सामने पुत्रा दी लाशां, सज्जे पासे वीरा दी लाशां, खब्बे पासे भतीजा ते बांझा दी लाशां, ते पिछे गुलामा दी लाशां, ते इन्हें लाशां दे ढेर च खलो के ना सारिया अपने अधिया ते पुछदे ने राजी है राजी है के होर देवां। आवाज आई इरजई इला रब्बिक राधिया तंबर दिया। अल्लाह फरमा तेरे ते ते राजी हां, जेड़ा कयामत तक तेरे ते मर जाए ओदे ते भी राजी है। नौजवानों एडा लाडा दा भलिया हुसैन, एडा लाडा दा। एक दिन मेरे नबी ने अपनी जुबान हुसैन अली मुकाम दे मुंह च रखी, ए नाने दी जुबान चूस रहे। मैं एक दो गल सुना के बस तुहानू करबला लै चला। नाने दी जुबान चूस रहे। एक दिन मेरे नबी ने खजूर खा के गुठली सटी, एक बच्चा बैठा, बच्चे दौड़ के जाके गुठली उठा के मुंह च डाली तो चूस रहा। मेरे नबी नो अदा पसंद आई, हाथ चुक के नबी करीम अर्ज की, या अल्लाह इस बच्चे नो दीन दा फहम ते दीन दी समझ अता फरमा। ये बच्चा ओ ही बच्चा जेड़ा वड्डा होके तर्जमानुल कुरान बनया, कुरान मजीद दा पहला मुफसिर बनया, जिन्हों दुनिया हिब्रुल उम्मा कहंदी है, जिन्हों हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास रजी अल्लाह तआला अनहुमा कहा जाता है। जफर वाल वालियो ते कुर्ब जवार तो आने वालियो, वो जेड़ा नबी की खजूर की गुठली चूस लवे उत्ते उम्मत का वड्डा ही आलिम बने, ते जेड़ा चूसा ही मुहम्मद की जुबान, जेड़ा चूसा ही नबी की जुबान। मैं उस हुसैन के मुकाम नु की अर्ज करा। मेरे नबी आका अलैहि सलाम अपनी जुबान हुसैन के मुंह च रखी, ये जुबान चूस रहे, ते गुजरन वाले गुजरदियां वेख के पुछया कमली वालिया इहदे नाल बड़ा प्यार करदे हो? ते सैयद आलम ने फरमाया मैं ते जेड़ा करना करना रब मेरे नालों भी बहुता करदा है। मैं देता तर्जमान जे करया करना खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, खैरुल बशर की आंख का तारा। पढ़ना या ना पढ़ना अपने नसीब रे, मेरा अकीदा के या बंदा हुसैनी होंदा है ते या यजीदी होंदा है। असी बैठे हैं सारे हुसैनी मामा दे पुत्र, ते जिक्र है साढ़े पीरां दे पीर दा। हुण जेड़ा हुसैनी बैठा है ना, मैं पढ़ांगा खैरुल बशर की आंख का तारा, ते जेड़ा हुसैनी है हाथ चुक के नारा मार के आखे हुसैन है खैरुल बशर की आंख का तारा, फिर बोलिया जे तारा स्टेज वाले हो तुम महबूब सारे दा सांझा के बोलो खैरुल बशर की आंख का तारा। अजना हाथ नहीं ना चुके ते नहीं बोले, इन्हां दे नाम एक जुमला अर्द कर लगा ताकि ये भी पढ़न। मेरे ताजदार चूरा शरीफ मेरे साई लजपाल फरमाते होंगे, आप फरमाते होंगे ने पट पवे वो सोना जिहड़ा कन्ना नूं खावे। नहीं समझे? किसी मां किसी बहन बेटी ने कन्न विच सोने की बाली को बुंदा पहने होवे ते कन्न गल जाए ना तो वह सोना उतार के रख देती, कहती पट पवे सोना जिहड़ा कन्ना नूं खावे, ते पट पवे वह जुबान जिहड़ी हुसैन दा जिक्र ही ना करे। आखी करनी जुबान जड़ी हुसैन तो नाने का जिक्र ही ना करे। और जे पूछो कि आसी साहब हाथ खड़े क्यों करने ते नारा क्यों लगाना है, ते मैं आसान करके अर्ज कर दे वा, आ सवेरे साढ़े दरवाजे मंगता आवे ना तो वह कहता घर वाले तेरी खैर होवे, घर वाला तवज्जो ना करे तो कहता तेरे कारोबार की खैर होवे, वो तवज्जो ना करे तो कहता तेरे बच्चों की खैर होवे। जदों आवे ना बच्चों की गल तो दिल करता कुछ दे देव, मेरे बच्चे की खैर पे मंग दे। मैं अर्ज की या अल्लाह जे तेथों मंगना हो, अल्लाह फरमा जे तू आखे ना रब्बा तेरी खैर होवे, तो अल्लाह अल्लाह मेरा एक महबूब है, एक मेरा यार है, ओदे बच्चों की खैर मंगदा मैं जो मंगेगा दे देवांगा। सियाने लोग फरमाते हैं बल्कि मेरे ताजदार चूरा श्री बाबा जी फरमाते होंगे कि सखी दे बुवे मंगता खाली टुर जावे ना ते मंगते दा कुछ नहीं बिगड़दा, सखियां दे अपने बुवे नूं इलाज लग जांदी है। इस वास्ते सखी बुवियां तो मंगते खाली नहीं जान देंदे। हुण जिहड़ा आया ना कमली वाले दा बुआ दा मंगता बन के वह मंगे नबी दे बच्चियां दी खैर, ते सरकार फिर खाली नहीं भेजणगे। रल के पढ़िए जा खैरुल बशर की आंख का तारा, फिर बोलिया जे तारा तो सारे मेरे ना मिलके पढ़िए खैरुल बशर की आंख का तारा, सैन है खैरुल बशर।
نصر شیر بڑے حسن نبی دی ادمی سے پاک کون ہے اندے والی مدینہ طیبہ دی گلی سے جار نکے نکے بچے پہ کھیل دینے ایک بچے میں چکے میرے نبی نے سینے دینا لایا ادا مت جم کے فرمایا صحابہ کب آ رہے آج میں جنت چ نہیں جانا جب تک کہ بچے دے دے ماں پیا نوں نال نہ لے جاواں عرض کی تھی کملی والیا کہ بچے دا کمال کی ہے فرمایا ایک دن میں مدینہ دی گلی چ جا رہا ہوں میرے اگے اگے بچہ جا رہا ہوں اے دے اگے میرا حسین جا رہا ہوں حسین نوں نہیں پتہ میرے پیچھے آ رہا ہوں اینوں نہیں پتہ اے دے پیچھے میں آ رہا ہوں فرمایا میں ویکھیا جتے جتے میرا حسین قدم رکھ کے جھکدا اے بچہ اوتھے اوتھے حسین دے قدماں دی مٹی چمدا اے اینوں سینے لگا کے آن والی امت نوں دسنا چاہنا خیر البشر کی آنکھ دا تارا ایک باری پھر تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے بات کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے حدیث پاک جوندا جنتی جنت جی چلے جان دوزخ دوزخ جی چلے جان اچانک دوزخ جنت نہ آکھے گی جنت تیرے پلے کی ہے جنت دوزخ نہ آکھے گی بڑیاں بد بد گلاں کرنی ہے دس تیرے پلے کی ہے دوزخ آکھے گی اج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نہیں اج فرعون میرے کول اج نمرود میرے کول اج شداد میرے کول اج ہمان میرے کول ہے نی جنت تیرے پلے کی ہے اللہ فرما کے جنت دوزخ نہ کہایا دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول حسین میرے زندہ باد شاباش شاباش بیٹا ہن بولو اے سبحان اللہ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے اساں تے کہنا ہمارا اساں دے نانے دا کلمہ پڑھیا نانے دے ٹکڑے کھانے ایتھے تے کہ ہندو شاعر کہندا اے ابن علی کر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہمارا حسین ہے ایڈے لاڈا دا پلیا حسین مولانا عبد الرحمن مولا جامی لکھیا تے خطیب بغدادی نے لکھیا ایک دن کون ہے دیوالی نے اپنے پتر نو پائے زانو تے بٹھایا تے حضرت امام حسین نو تائیں زانو تے بٹھایا اچھا یار جی یعقوب علیہ السلام دا پتر یعقوب دا یوسف ایڈا سونا سی سچی دسو محمد دا پتر کنا کو سونا ہوئے گا اج دی امی نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ رہے جی دی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ ہاتھ چکنے اس گل دی نشانی ہوندی کہ میں زندہ بھی ہاں تے جاگدا بھی ہاں تے حسین نہیں بھی ہاں ہاتھ چکے اونچا بولو سبحان اللہ اے نوجوان نے اج کلمہ پڑھیا تے قادیانیت تے مرضیت تو توبہ کر کے ختم نبوت دا نعرہ لگا کے نبی پاک دے اسلام دے دامن نچایا میں گل عرض کر دیواں یار پچھلے نبیاں دے پتر نبی بنے دیکھو نا آدم علیہ السلام نبی تے انہاں دے پتر حضرت شیس نبی ابراہیم نبی انہاں دے دو پتر اسحاق تے اسماعیل نبی اسحاق نبی پتر یعقوب نبی پتر یوسف نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دے ابا جی حضرت داؤد نبی حضرت زکریہ دا پتر یحییٰ نبی موسیٰ علیہ السلام دے بھائی حضرت ہارون نبی جے مسلماناں دے نبی دا پتر نبی نہ بندا تے یہودیاں سانوں مینے مارنے سن ساڈے نبیاں دے پتر تے نبی بنے مسلماناں دے نبی دا پتر نبی نہیں بنیا اللہ نے اپنے محبوب نوں تین پتر عطا کیتے مگر بچپن چی واپس لے لے کیوں اللہ فرما سونیا تیرے تے میں ختم نبوت دی مور لا کے بھیجیا ہے تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی بنے تیرے رب دی غیرت تو اے بھی برداشت نہیں ہوندا
ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਬੀ ਬਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੈਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਬਚਪਨ ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਬਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਤਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਬਰੀਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਖੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾ ਜਿਬਰੀਲ ਕਿੱਧਰ ਆਇਓ ਜਿਬਰੀਲ ਕਿੱਧਰ ਆਇਓ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਬਲੀ ਵਾਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਕਿ ਦੋਤਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਰਸੂਲਿਆ ਰਬੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾ ਦੋਵੇਂ ਵੇੜੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਰਸੂਲਿਆ ਰਬੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੰਜ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤਸਬੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਸਬੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਗਿਰਦੇ ਨਾ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਇੰਜ ਜ਼ਾਰੋ ਕਿਤਾਰ ਹੋ ਪਏ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾ ਜਿਬਰੀਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾ मेरा पुत्र ही ला जाओ मेरा गया मैं रोवांगा हुसैन गया मेरी जरा रोवेगी मैं आप रो लवांगा मेरे को जरा रोंदी वेखी नहीं जानी तीन दिन के बाद नबी दे पुत्र दा भी साल होया मेरे आका अपने पुत्र दी लाश चुक के रोंदे रहे कदे मेरे आका पुत्र दा मथा चुमदे नहीं कदे पुत्र दे रुखसार ते लब चुमदे नहीं ए टुर गए ने तिल दार दिलाओगे के बदम चुके उजड़ी बस्ती नजरिया आवे के कंड दिती जद यारा नौजवान मेरे नबी पुत्र की कबर बना के गले आल हजरत इमाम हुसैन बच्चिया जनाने के सामने खेलदिया खेलदिया गुजर गए मेरे आका नू पुत्र की याद आई अज पुत्र हुंदा मेरे सीने नाल लगदा नबी करीम ने बाजू फैला ले फरमाया हुसैन आ जा नाने के सीने लग जाओ तेरे तो मैं पुत्र कुर्बान किया हुसैन ने आके नाने ने जफा मारिया अर्ज की नाना रोना तुझे एक कुर्बान किया है बेलाया लैन दे मैं सारे कुर्बान कर देवा फिर वेला आया करबला दे मैदान एक देमन लगिया अखां ते बन लिया पट्टियां इब्राहिम एक पुत्र ज़बा करना सी ते अखां ते पट्टियां बन लिया कि एडा पुत्र सोना मैं ज़बा हुंदा किवें वेखांगा परवाह हुसैन तेरी अतमत तो सदके एक देमन लगिया अखां ते बन लिया पट्टियां पर करबला विच यार ने यारां ते डोरां सटियां आख्या जिवें तू राजी अज जिवें तू राजी मैं अकबर ते असगर देख के तेन मना लवांगा कासिमो अब्बास देख के भी न सजद हारिया आख्या तेरा दिता तेनों दिता तेरे उतु ही वारिया सारिया अमानता तेरिया इन्नल्लाह यामुरुकुम अंतु अदुल अमानती इला अहलिहा अल्लाह फरमादा जिदी अमानत होवे ओनू दे दियो आख्या अकबर तेरी अमानत तेनों ही दिता असगर तेरी अमानत तेनों दिता कासिम तेरी अमानत तेनों दिता अब्बास तेरी अमानत मैं तेनों ही दिता बस तेरा दिता तेनों ही दिता तेरे उत्ते ही वारिया जो आए ना बारो बारी सारे ने टोर के ते अपनी वारी मेरे इमाम खैमे दे अंदर आए सिर ते नाने दी दस्तार रखी जुब्बा हजरत अमीरे हमजा दा पहनया पटका कमर दे अंदर हजरत इमाम हसन दा तलवार जुल्फिकार मौला अली दी पकड़ी ना ते बहन जैनब ने लिया के ते कंधे ते कोई चिट्टी चादर रखी ते फरमा दिया वीरा चांदी बार अम्मी जहरा दे के गई सी ते अम्मी फरमा दिया सन जदू करबला दा दूल्हा बन के वीर निकले ना ते मोढ़िया ते चादर मेरा हिस्सा रख देवी मेरा करबला च हिस्सा पै जाए करबला सुनन वाले मेरा इमाम एडा सोहना लगे इंज लगे जिवें शबे असरा दा दूल्हा मेराज करन चले आए कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दोतरे इमाम अली मुकाम जद करबला वल टुरन लगे ना ते सैयद ज़ैनब करीब आईया मेरे इमाम ने बहन दे सिर ते हाथ रखिया फरमाया ज़ैनब अपने पर्दे दा ख्याल रखी बोलिया चलिया माफ करिया जी हुण मैं चलिया ते ज़ैनब याद रखी उस मां दी बेटी है जिद दरवाजे दे ओले जिबरील खड़ा सी ते नबी पाक फरमाया जिबरील अंदर आ जा ते अर्ज कीती सोणिया कि मैं आवां रस्ते च तेरी बेटी ज़हरा बेड़े च बैठी है मेरे आका फरमा तू इंसान नहीं तू ते फरिश्ता है ते जिबरील अर्ज कीती सोणिया फरिश्ता होना अपनी जगह ज़हरा दा हया अपनी जगह
तेरी मां तू फरिश्ते भी हया कर दे ते अपने पर्दे का ख्याल रखी। मेरे इमाम ज़ारो किताब रोपे सैयदा ज़ैनब अर्ज़ कर दी वीरा तू हौसले न जा तू दस जामी तो अली दा लाले ते मां भी दस जावा कि मैं ज़हरा दी बेटी हाँ तू कुरान नेदे ते पढ़ी ते मैं भी पर्दा इंज दा कर जावगी ते तू मिंबर ते बह के लोग शहादत दे खुतबे पढ़नगे नाल ज़ैनब दे पर्दे ते भी खुतबे पढ़िया करनगे। मेरे इमाम ज़ैनब नु मिल के जद शहर बानो दे खैमे च आए एक एक करके सारे नु मिले ज़ैनब लाबे दीन नु मिले। ये बड़ी तफसील गल मैं तो इख्तिसार अर्ज कर रहा जब तो मेरे इमाम टुरन लगे ना नौजवानों खैमिया दे अंदर को राम मच गया इमाम अली मुकाम जा रहे ने सैयदा शहरबान रो के फरमा दिया वे जाना ला पे दीन पुत्रा पे उठ बाबा तुर चलें उठ बाबा न रोक ले हजरत सैयदा जाना फरमा दिया ने पे आनो मोहम्मद उठ पवो पे देखो मामू तुर चलें पे जा दीवार मामू न रोक लो हजरत बीबी में फरमाया यो फरमा दिया मैं कासिम पुत्रा उठ पे चाचू तुर चलें उठ जा दीवार चाचू न रोक ले नौजवान हजरत उम्मे लाला करीब आयो ते फरमा दिया वे अकबर पुत्रा ते उठ बाबा चले नी उठ बाबा दिए जाने बाबा नु रोक ले अज खैमे खाली हो जाने ने मेरे इमाम ने आखरी बारी अलविदा कीता ए खैमे चो निकलन लगे मुड़ के वेख के फरमाया दुनियादार परदेसा च जांदे ने ते घरवाले नु गवारियां दे सपुर्द करके जांदे ने मैनू पता मैं तुहानू दुश्मन दे सपुर्द करके जा रहा हूं। मेरे इमाम दे सीने च पुत्रां दा भी गम है परदेस दा भी गम है बीबियां दा भी गम है अपने वीरां दा पांजियां भतीजियां दा गम लैके जिहड़े वेले इमाम अली मुकाम तुरन लगे ते सैयदा ज़ैनब ने दमन पकड़ लिया फरमादियां वे वीरा ते जा दीवार सीने ला जाओ। मेरे इमाम ने ज़ैनब नूं सीने लगा के सिर ते हथ रख के फरमाया इनू वीर दा प्यार भी समझना है इनू बाबा ते मामा दा प्यार भी समझना है आखरी बारी अलविदा करके मेरे इमाम टुरदे जा रहे फरमा दे रब्बा किसनू फुल सुनावा दर्द दिल दो सारा कौन होवे अज दर्दी मेरा ते दर्द बदामन पाला इमाम खैमे च वापस आई फरमाया रबाब क्यों भी बोला नहीं है औलादा बाल और कलेजा फट जाता है सैयदा रबाब ने अर्ज की लज पाला अपनी सकीना नो होश करा जाओ मेरे इमाम दी सत सुहा दी बेटी सकीना आई अपने बाबा नु जांदा वे के चीख मार के बेहोश हो गई ओ बच्ची जड़ी परदेसा विच आई है ओ जड़ी मदीने दी शहजादी सी नौजवान जिन प्यो दिल गुजरे ना खाता ना पीता आई जिदे सामने चाचे ते बाजो कलमे हो गए जिदे सामने अकबर वर्गे वीर दियां बोलियां हो गईयां ओ निक्की जी बच्ची रोई जब बाबा टुरे चीख मार के बेहोश हो गई मां ने अर्ज की लज पाला मेरी सकीना नो होश करा जाओ मेरे इमाम ने सकीना नो सकीने नाल लाया फरमाया नी सकीना नी दिए उठ जांदी वारी बाबा वेख ले सारी जिंदगी बाबा बाबा करेगी बाबा नजरी नहीं आने सकीना नो होश ना आया शिमर दिया आवाज आई हुसैन पारा मेरे इमाम ने सकीना नो ज़ैनब दी गोद रखे आओ फरमाया मैं चले आवा मेरी सवारी खाली होनी है सकीना बाबा बाबा कह के रोना है इनो सीने ला के रोना दे आ जे मेरी सकीना दा ख्याल रखे आ जे अल्लाह दा वाले दी लडली मेरे इमाम की सकीना है। इमाम ने समझ जड़ी आखरी गल की थी वो गल सी मेरी सकीना दा ख्याल रखे आ जे मेरे इमाम बड़े बेले आके घोड़े ते बैठ गई घोड़े नो महमीज लगाई वो डरदा ही नहीं
एड़ी मार देने तुरता ही नहीं, जेने वेले तीसरी एड़ी लगाई घोड़ा टुरिया ना ओदे कन्न च फरमाउण लगे मैनूं पता लाशा चुक चुक के थक गया है पर मेरे नाल बेवफाई ना करी एक बारी मैं नौकर बला लै जाओ मैं वादा करना वा मेरे बाद कोई सवार नहीं आवेगा। घोड़े अर्ज की दिया ला इब्राहिम की छुरी बोल सकदी है ते मैं भी बोल सकना वा बोलन की तौफीक दे ना नबी दे दुखरे ना दो गल्लां करनियां है। घोड़े अर्ज की दी लजपाला असहाबे काफ न लगे खुदा वफादार हो जाते हैं मैं ते सारी जिंदगी तेरे कदमा च लगा रहा हूं सुने मेरी वफा ते शक ना करी फरमाया तुरदा क्यों नहीं घोड़ा मुड़ मुड़ खेमे वल वेखदा है लोगों केड़ा रंग देवा मेरे इमाम ने जेड़े वेले खेमे वल वेखे निकी जी सकीना नो होश आ गया है परदादार सैयदादी करमे दे पीछे खड़ी है उन्हें निके निके हाथ जोड़े ने ते रो के कहंदी है बाबा ना जाया जाए सकीना मर जाएगी कहंदी है बाबा जे तुसी तुर जाओगे मैं बाबा की नोए अखा दी नल रो के कहंदी है वे घोड़िया ना जावी ते मेरा चाचा अब्बास गया है जे नहीं आया मेरा वीर अकबर गया नहीं आया मेरा वीर कासिम गया नहीं आया वे बाबा लैके ना जावी अजे ते बाबा रज के वेखई नहीं मेरे इमाम ने आके सकीना नु सीने नाल लाया फरमाया नी सकीना नी चुप कर जाओ नी दिए ज नहीं करी दो सकीना निके निके हाथ जोड़ लाई कहन लगी बाबा परदेसा विच ले आके तियां नाल भी इंज नहीं करी दो हाथ जोड़ के कहन लगी बाबा मैं रोवांगी चुप कौन करावे दो मदीने खिदे नाल जावांगी बाबा मैं किदे सीने ते सवांगी फरमाया नी सकीना अपनी अम्मी नाल सौ लई अर्ज कर दिए बाबा अमीना ते असगर सौंदा है फरमाया नी दिए मदीने दियां गल्लां ने करबला दे कानून बदल गए ने हुन ते अम्मी नाल सोया करेगी असगर कयामत तक बाबा नाल सोया करेगा कह लगी बाबा छड़ के ना जाया जे ओदियां वालियां इन्हां धियां नूं प्यों ते बड़े मान देने बड़ी दिहाड़े गुजरे ने एदियां नूं कपड़ियां दी लोड़ होवे ए वीरां तों नहीं मंगदियां ए बुढ़े बाप तों मंगदियां ने इन्हां नूं पता हुंदा बाप धियां नूं ना नहीं करदे ओदियां पल्ले फड़ लैन प्यो छुड़ांदे नहीं अज भी कोई भाई अपनी भैन नूं झिड़क मार देवे वडेरा जी बाप तड़प जांदा है कहंदा ओ खबरदार मेरी धी नूं को झिड़क ना मारे ए तुहाडा कुछ नहीं खांदी इहदा प्यो अजे जिउंदा है ओ पुछ किसे यतीम दे दिल खोलो रब्बे काबा दी कसम है प्यो अपने जिउंदे आं इंज लगदा है जिवें सारे बाजार दे खड़ौने ही मेरे ने सैयदा सकीना रो के अर्ज करदी है बाबा ए जांदी वार दस्या जे यतीम किन्नो आखदे ने फरमाया सकीना क्यों पुछनी अर्द कर दिए बाबा खेमे च सारे पे आखदे ने सकीना यतीम चली है सीने लगा के फरमाया नी सकीना नी जिदा बाप मर जाए ओ बच्चा यतीम दाई सकीना घुट के जफा मार लिया अर्द कर दिए बाबा यतीम ना करया दे बाबा जिन्ना धीआं दे बाप मर जान ओते दीवारां ना लग के रोंदियां ने यतीम नुकरां च बह के रोंदे ने बाबा यतीमां दा हाल कोई नहीं पुछदा बाबा यतीम ना करया दे जिन्ना धीआं दे बाप मर जान ओते वीरां कले आउंदियां ने मैं किथे जावां भी मेरा वीर भी कोई नहीं मेरे इमाम तसलियां दे के चुप करा रहे फरमाया जैनब खेमे चुबारो सकीना नो खेमे च लै जाओ
किधरे आओ समान फटके जमीन तनाया आ जाए सैयदा ज़ैनब खिंच के सीने तलियों तारे औलादा वालियों सवेरे कमां ते जांदे बच्चे चिमट के रोंदे ने मामा खिंच के उतार दिया बच्चे दिया चीखा निकल दिया ने साडे बच्चे नूं पता होंदा शाम वेले अपुई आ जाने ओ फिर भी रोंदे ने ओ किवें रोई आवेगी जिन्हां पता अपुई आना ही कोई नहीं सैयदा ज़ैनब खैमे बल्ला के जा रही सकीना कह लगी फूफी अम्मा दो गड़िया बाबा वेख लैन दे तेनों वीर नहीं लभना मैनों बाबा नहीं लभना नाले रो के कहती है इशाला मरना वीर किसे दे ते ना होन नी मानिया बैना जिस बैन दा वीर न कोई उस की दुनिया को लेना मेरे ईमान सकीना नु रोंदिया छड़ के जा रही के किन्ना दुखा च दिल पर राधी के सुखिया ना तो बारे बोल मोहम्मद बख्शा तेरा वीर प्यारे मेरे इमाम आखिरी वेले जान दिया अर्ज की जे तू इंज राजी है तो मैं इंज ही राजी हाँ फिर मेरे इमाम जदों करबला दे मैदान च आए इन जाके लड़के इबने साध नू कहना पिया शेरां दे पुत्तर शेर ही होंदे ने शेरां दे पुत्तर शेर ही होंदे ने मेरे इमाम दे हलके च तीर लगया उस वेले मेरे इमाम ने सजदा कीता हजरत इमाम मूसा काजिम तो किसे पूछा सी कि इमाम अली मुकाम नू करबला च कितने जख्म आए सन फरमाया मेरे दादे नू इतने जख्म आए सन जितने कुरान दे हरफ ने जितने कुरान दे हरफ ने सारा जिसम हुसैन सखीदा तीरां नाल परोता फिर भी सैयद रेत तती ते नीत नमाज खलोता मेरे इमाम ने आखिरी वेले नमाज पढ़ के मैनू ते तुहानूं सबक दिता कि ए मेरियां माफलां च नारे लगान वालियो मैं ते आखिरी वेले भी सजदा कीता तुसीं किधरे सजदा ना छोड़िया जे ये हुसैनियों ते सजदा ना छोड़िया जे इमाम अली मुकाम ने करबला च अपनी ते अपने रुफाका दी सारियां दियां कुरबानियां दे के गिरामी कदर हजरात मेरे ते तुहाड़े तक कलमा पहुँचा दिता अज लोग अज भी नाने दाऊद कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे क्यों इस वास्ते के करती है पेश आज भी शहादत हो हुसैन की आज़ादी के हयात का ये सरमदी उसूल चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े के नोक पर लेकिन यजीदियों की अतायत न कर कबूल अल्लाह ताला सारी हाजरी कबूल फरमाए आमीन व आखिर दवाई अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी भी सब दुआ फरमाएंगे तस्वीर रखें और एक दफ़ा आलम शरीफ तीन दफ़ा गुल शरीफ लाजमी पढ़ें और तीन दफ़ा दूसरी पढ़ें ताकि कबला के शहीदों के लिए सारे सवाब हो सके पीर साहब शाह साहब जो हैं पीर सैयद तफसीर हुसैन शाह साहब खसूसी दुआ फरमा रहे हैं लिहाजा तस्वीर रखें और एक दफ़ा आलम शरीफ तीन दफ़ा कुल शरीफ और तीन दफ़ा दूसरी पढ़ें ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا امه مسلمات لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اے میرے مولا مختار مدینہ دا صدقہ خاتمہ بالایمان فرما حاضرین ناظرین سامعین ساڈے ساریاں دی حاضری قبول فرما اے میرے مولا اس حاضری نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات اس حاضری نو ساڈے واسطے ذریعہ بخشش اس حاضری نو ساڈے واسطے ذریعہ ہدایت عطا فرما اے میرے مولا جڑے دور تو آئے نے قریب تو آئے نے خالی چولیاں لے کے آئے نے پریاں چولیاں لے کے واپس جان اے میرے مولا حضور اکل صلات و اسلام دی خاص نظر رحمت عطا فرما اے میرے مولا کریم عالم برزخ وچ میرے آقا دی زیارت نصیب فرما
आलमी आखरत विच मेरे आका दी तरफों शफायत नसीब फरमा। ऐ मेरे मौला मेरे बाबा जी पीर जमात अली शाह लसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप साया साडे सिरां ते कायम दायम फरमा। उन्हां दे नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मौला करीम मेरे आका अलैह सलातो सलाम दी हस्ती ते बस्ती दा सदका साडे गुनाह कबीरा सगीरा गुनाहां नूं माफ फरमा। अचानक साहिबन सियानन कसदन साडे कोलो रोज खतावां रोज गलतियां हो जांदियां लीला दर गुजर ते सानूं माफ फरमा। ऐ मेरे मौला करीम जिहड़े आदमी दूर तो करीब तो आए ने दिलां विच नेक हाजतां नेक मुरादां नेक ख्वाहिशां लै के आए ने अपने प्यारियां दा सदका ही महबूबां दा सदका ही उन्हां दियां नेक हाजतां नूं कबूल फरमा। जिहड़े बीमार ने सेहत कामिलतुल आजिला अता फरमा। जिहड़े कि बीमार ने सेहत कुल्ली अता फरमा। बे औलादां नूं औलाद नरान औलाद नरीना औलाद सालिया अता फरमा। बे हदायते नूं हदायत अता फरमा। बे नमाजा नूं नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। साडियां पढ़िया हुई नमाजा कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला करीम जड़े जड़े दोस्तां ने दामे दिर में सुख ने किसी तरीके दे नाल जिक्र इमामे हुसैन दे विच कोई हिस्सा लिया ऐ मेरे मौला उन्हां दे हिस्से नूं कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला उन्हां दे इस हिस्से नूं कबूल फरमा। उन्हां दे कारोबारां विच बरकत रिजक विच बरकत माल विच बरकत औलादां विच बरकत अता फरमा। सल्लल्लाहु अला रसूल खैर खल्की वज़ीनत अरशी वज़ीनत फरशी मुहम्मदी वहले बैती।